हेयर स्टार्ट्स द डे टू ऑफ कोलोजियम एंड हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा था एक इवेंट में जो कि था डम शराट्स। तो हम लोग उसी के लिए जा रहे थे इतनी बड़ी दोपहरी में। वैसे तो मैंने ही लोगों को बोला था कि करो यार चलते हैं सब साथ में चलेंगे मजा आएगा। उसके टॉप पे जो नंबर है वो आपका टीम नंबर है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। गाइस अभी हुआ हमारा फर्स्ट राउंड जो कि था एलिमिनेशन राउंड एंड इसमें हमें कुछ ऐसे इमोजीज दे रखे थे, हमें मूवीज का नाम बताना था एंड आज हमें पता चला कि हमारी बॉलीवुड की नॉलेज बहुत ज़्यादा खराब है एग्जाम्स की नॉलेज के साथ साथ। तो देखते हैं एलिमिनेट होते हैं नहीं, क्योंकि चार राउंड होने वाले थे यहाँ पे। मेरी हमारी पार्टनर एक्चुअली हम आए किसी दूसरे गेम के लिए थे लेकिन वो कैंसिल हो गया, मतलब वो कल होने वाला है। इसमें भी मजा आया, हाँ इसमें भी मजा तो आ रहा है, देखते हैं। इन लोगों को हम ले आए यहाँ पर खेलवाने के लिए एंड आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट राउंड के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पक्का एलिमिनेट हो गया। प्रशांत शर्मा सार्थक रावत, तुझे खुश किया क्योंकि हम सेकंड राउंड अब सेलेक्ट हो गए फर्स्ट राउंड। हर्षित सिंह, उन्होंने प्राइजेस रखे हुए जो कि विनर्स को मिलेंगे। एलिमिनेशन राउंड क्वालिफाई करने के बाद यहाँ स्टार्ट होता है राउंड वन जिसमें हमें ये पिक्चर्स दिखाई गई थी एंड वी हैड टू गेस द मूवी नेम्स। ये राउंड तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि यार हम हॉलीवुड मूवीज इतनी ज़्यादा देखते हैं नहीं, बट हम वहीं बैठ गए शो एंजॉय करने के लिए क्योंकि यार बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अंदर एसी चल रहा था। तो हमने सोचा चलो यार शो के ही मज़े ही ले लेते तब तक। कैसे बताऊं किस किस तरह से दिस इज कोलोजियम डे टू और यार देख सकते हो हमने पहन रखी कोलोजियम की टी शर्ट, एक अच्छी चीज जो हमें मिली या अरे हाँ हम रिफ्रेशमेंट लाए थे एक्चुअली। अभी हमारे कहते पी सी टी में हमारा एक इवेंट हो रहा था बट मतलब जिस इवेंट लाए थे वो कैंसिल हो गया था। फिर हमारा एक दूसरा इवेंट था वहाँ चले गए थे, वो था एक्चुअली डम शराट्स एंड अभी हम वहीं से आ रहे हैं। हम एलिमिनेशन राउंड में तो सिलेक्ट हो गए थे, उसमें ऐसी कुछ मतलब पेपर में तो हमें मूवीज दे रखी थी वो हमें गेस्ट करनी थी, वो भी आधी तो हमने थोड़े बहुत इन लोगों से चीटिंग वगैरह करी एंड हम चार आ रखे हैं अभी यहाँ पे फर्स्ट राउंड में। पहले हम बॉलीवुड मूवीज हमने गेस्ट करी लेकिन जो सेकंड राउंड में उन्होंने पता नहीं हॉलीवुड मूवीज दिखा रहे थे जो कि हम नहीं देखते वो हम नहीं गेस्ट कर पाए, पर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, फन था एंड अभी होने वाली डीजे नाइट 6 बजे तक से पहले हमें एंट्री करनी। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल थोड़ा रेडी होने के लिए क्योंकि हमें 6 बजे की एंट्री टाइम दी गई थी एंड क्योंकि हम अपने लास्ट वाले इवेंट से काफ़ी लेट ही निकले थे 4:30 के अराउंड। तो मैंने सीधा वहीं जाकर अपना व्लॉग स्टार्ट करा एंड वहाँ देखते हैं कि कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं हो रखा था तो वी वर जस्ट रैंडमली क्लिकिंग पिक्चर्स। सब बेचारे थक चुके हैं, क्या हुआ? अच्छा लाइव आ रहा है, वही तो ये पगली चलेगी भागते भागते। अरे साक्षी, हाय क्यूटी, बहुत प्यारी लग रहे हो आप। हाँ
हम लोगों ने इतना डांस करा कि भाई पूरी बॉडी ही डिटॉक्स हो गई थी, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था ना उसके बाद. एंड अब टाइम था वापस हॉस्टल जाने का एंड इट वॉज अराउंड 11 PM एट द नाइट. एंड अब यार ज़्यादा एनर्जी तो कल की कॉन्सर्ट नाइट लिए बचानी है ना. आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी अंकित तिवारी? बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ. डे 3 बिगिंस विद एन इवेंट जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा था जिसका नाम था ट्रेजर हंट. हाँ भाई, नाम सुन के हमें इतना मजा आने लग गया था ना कि भाई क्या होने वाला है, क्या ट्रेजर हम हंट करने वाले हैं आज. और कभी क्लासेस के लिए हम इतने टाइम पर नहीं पहुंचे और आज देखो 10 बजे का टाइम था और एकदम पंक्चुअल होकर हम सब के सब टाइम पर पहुंच गए. बट धीरे धीरे करके जैसे बच्चे आने लगे हमें पता चला सिर्फ हमने ही नहीं इतने सारे बच्चों ने इवेंट में पार्टिसिपेट कर रखा है. तानी कम इतने कम बच्चे इतने सारे बच्चों में बदल गए. एंड ये है मेरे फ्रेंड्स एंड इन लोगों ने भी इस गेम में पार्ट ले रखा था. सो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. सबसे पहले टीम के एक पार्टिसिपेंट को मिला था ये एनवेलप जिसके अंदर था एक QR कोड जिसको स्कैन करके हमें मिलने वाला था हमारा पहला रिडल. भाई साहब तुम भीड़ देख रहे हो यहाँ पर, इतने सारे बच्चे अपने कॉलेज में तो मैं पहली बार ही देख रही थी. फिर हम निकल गए बाहर क्लूज ढूंढने के लिए और बच्चे सारे इधर उधर भागने पर लगे थे जिनको देखकर हमें बड़ा ही मजा आ रहा था. अब चलो कॉन्सर्ट नाइट पे चलते हैं. फैशन का जलवा तो कर लिया लेकिन उसके साथ में हम सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि हमारी बस इतनी ज्यादा डिले हो रही थी. पहले इन लोगों ने हमें बताया था कि पहले 7 बजे बस आएगी, देन उसके बाद 8 बज गया, उसके बाद फाइनली 11 बजे बस आई. एंड उसमें भी हमें आधा एक घंटा तो लाइन में खड़ा रहना पड़ गया. यार आधे बच्चों ने तो अपने कपड़े तक चेंज कर लेते कि हमें नहीं जाना कॉन्सर्ट में. वहां गए तो वहां फिर से कुछ स्टार्ट नहीं हो रखा था तो हमने कुछ आइसक्रीम लिया, तब तक शो को एंजॉय करा. करते हल्ला. All right. Are you ready?
फाइनली अब आ रही हूँ तू। अच्छा लगा ये हमें छोड़ के आगे चली गई थी एकदम। हाँ कैसे लगा? बहुत ज्यादा अच्छा भाई, मैं तो मतलब और भी अटेंड करना चाहूंगी। और आपको आपको तब से दोनों हमें हाँ मैं पीछे डांस कर रही थी तो मेरी वीडियो बन जाती है मेरे को किसी और कोई बात नहीं। शो तो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा रहा, हम लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय भी करा, आप लोगों ने जैसे व्लॉग में देख ही लिया होगा। सो कुछ ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट कॉलेज फेस्ट, रियली एंजॉयड इट, होप यू गाइस एंजॉयड इट एज वेल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।